देखो उसमें मैंने तुमको नोट्स भेजे हैं ग्रुप में, देखे हो ना? हाँ नोट्स तो देखे हैं मैंने। नहीं तो नोट्स में ये बताओ प्रॉब्लम किसी में आ रही है? हाँ प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं आ रही, मतलब दोबारा से पढ़ना था वो, जैसे आपने जैसे बायनोमियल थ्योरम कल पढ़ाई थी, तो बायनोमियल थ्योरम हाँ अपने को 10th में कट गई थी, मतलब 10th में शायद पढ़ी भी होगी, याद नहीं, नहीं। 10th में नहीं, 11th में है। तो चलो बाइनोमियल नहीं पढ़ा तुमने, ठीक है, मैं वो लेक्चर तुमको दे दूंगा, है ना, हाँ वो लेक्चर मैं सारे शेयर कर दूंगा। देखो परसों के तो पढ़े हुए हैं, ग्रुप में डाले हुए हैं, है अच्छा हाँ हाफ एन आवर के, तुम लेक्चर देख लेना, ठीक है। यस सर। राजुल सर लाइन पे हो क्या? मैम वो भूमि है कोई, उसको ऐड होना है क्लास में। कल क्लास में थी, उसे ऐड होना है। नहीं है इधर, कल इस पाठशाला से ज्वाइन हुई थी। हाँ भूमि, आप पाठशाला वाले ग्रुप में लिंक ले लो सर से, वहां पे मैसेज करके ले लो लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कल मैंने कुछ नोट्स भी भेजे हैं भाई, देखो इसके सेट थ्योरी के, वो नोट्स अच्छे से पढ़ना। आंचल नोट्स देखे बेटा तुमने? क्यों आंचल, रिस्पॉन्ड कर बेटा। चलो चैप्टर देखो, एक्सरसाइज 1.1 अपन लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है सेट थ्योरी की। देखो 1.1 में कोई दिक्कत बच्चों? हेलो 1.1 में देखो कोई प्रॉब्लम बेटा? देख 1.1 में कोई प्रॉब्लम, कल थे ना क्लास में? नहीं थे, मैथ्स क्लास में थे? नहीं थे। तो 1.1 में देखो कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3 से था, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और जो सेट में इनफाइनाइट नंबर, जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? तो फाइनाइट इनफाइनाइट की हमने बात कर ली। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 डन। बता दे बेटा, बताओ बना कि नहीं बना क्वेश्चन नंबर 3? हाँ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, इक्वल सेट्स। हेडिंग डालिए इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? लिखिए, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। सेट टू बी इक्वल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जितने सेट ए के एलिमेंट है उतने सेट बी के एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनेलिटी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। सेट ए, किसी सेट के नंबर्स को, एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। तो जैसे मैं बोलूंगा आपसे कि मेरे पास कोई सेट है ए, सपोज इसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, मैं बोलूंगा इसके कार्डिनल्स कितने हैं? आप बोलोगे 5। इसकी कार्डिनेलिटी कितनी है? एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल फर्स्ट इफ दे हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट, ये पहला क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया लिखे, इफ दे हैविंग आइडेंटिकल एलिमेंट्स, आइडेंटिकल एक जैसे आइडेंटिकल एलिमेंट्स, अगर उनके पास आइडेंटिकल एलिमेंट है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, सेट बताओ कौन कौन से सेट इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4
फर्स्ट एंड थर्ड क्लास 11 की मैथ्स स्टार्ट है बच्चों, ज्वाइन कर लो। पहला वाला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग हैं। कौन सा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नहीं मिल रहा। इक्वल सेट वाला कौन सा क्वेश्चन है भाई अक्षत? यस, क्वेश्चन नंबर 4 है 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का देखिए। हाँ, फर्स्ट वाला सेट है इक्वल, बिकॉज ए बी सी डी और डी सी बी ए दोनों इक्वल है, तो फर्स्ट वाला इक्वल है। यस, सेकंड वाला इक्वल है कि नहीं है? सेकंड वाला सेट नहीं है। थर्ड वाला सेट देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 एंड एक्स इज द इवन पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं है इक्वल? थर्ड वाला 4.1.2 एक्सरसाइज चल रही बच्चों, है इक्वल है कि नहीं है? है। माइनस टू नेगेटिव इवन इंटीजर है, नेगेटिव इवन इंटीजर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप थर्ड की बात करें तो थर्ड में जो एलिमेंट ए है वो कितना है? थर्ड का एलिमेंट ए, थर्ड का जो एलिमेंट ए है, क्यों भूमि रिप्लाई रिप्लाई करो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। थर्ड क्वेश्चन का जो एलिमेंट ए है वो है 2, सेट ए है 6, 8, 10 और जो सेट बी है वो कितना है? देखिए सेट बी है अपने पास, एक्स इज द पॉजिटिव इवन इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 और इवन है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये भी होंगे, तो दिख रहा है साफ a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में किसी में कोई प्रॉब्लम है क्या? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 1.2 का, भूमि रिप्लाई करो, जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 5 1.2 का कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay, all done. Question number 5 में देख ली बेटा, सामने कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऐश्वर्य, क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वल सेट बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 बन गया डन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है इक्वल सेट कौन कौन से हैं, चेक करिए सभी लोग। अक्षत तुम कहाँ चले गए, तुम्हारी रिप्लाई नहीं आ रही है? नहीं हूँ सर। हाँ तो बताओ ना भाई, चुप क्यों बैठे रहते हो यार, रिप्लाई क्या करो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आंचल बेटा रहो चुप, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्रॉप करके भेजूंगा पेरेंट्स को, नाम लेने के बाद भी नहीं जवाब दे रहे हो, भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सेट ई एन जी आर इक्वल, एक और है, एक और बताओ, सेट ई और जी इक्वल है? बी और डी। बी और डी बिल्कुल सही, बी और डी भी इक्वल है। चलिए बी और डी भी इक्वल है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए सबसेट, अब अगला टॉपिक है, हेडिंग डालिए सबसेट। ओके, तो सबसेट का मीनिंग क्या है?
सबसेट का मतलब है एक बड़ी फैमिली से टूट करके या एक बड़ी फैमिली के अंदर एक छोटी फैमिली बन जाए, दैट इज कॉल्ड सबसेट। एग्जाम्पल, आप किसी बगीचे में गए हैं तो वो फ्लावर्स का बगीचा है और उस फ्लावर्स के बगीचे में कुछ फ्लावर लगे हुए हैं स्पेसिफिकली, जैसे मान लो 1000 रोज है, ओके 2000 लोटस है और 3000 लिली है। तो एक बड़ा फैमिली है फूलों का। अब इसमें से आपने क्या किया, 1000 रोजेस में से 5 रोज ले लिए, 2000 लोटस थे, यहां पे से आपने 1000 लोटस ले लिए, ओके या एक काम कह रहा 4 लोटस ले लो, ज्यादा मत लो, और यहां पे 3000 लिए हैं आपने, यहां में से 3 लिली ले ली। अब ये सेट अगर ए है तो अगर इस सेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो इस सेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए इक्वल्स टू रोज लोटस लिली। इस बात से मतलब नहीं है कि इसमें कितने रोज हैं, कितने लोटस हैं, कितने लिली हैं, क्योंकि सेट जो होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं देता है। सेट में इस बात से मतलब नहीं है कि आपके पास कितने रोजेस हैं, कितने लिली हैं, कितने ये हैं, बस ये बताएगा कि फैमिली है रोज की। अब वो एक हो अनेक हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लोटस है, यहाँ पे लिली है। अब अगर इसमें आपने देखिए ये सेट बनाया, इसका नाम बी दे दिया, तो बी में भी क्या आएगा, भले ही 5 रोज है बट क्वालिटेटिवली यहाँ पे क्या काउंट करेगा, वो रोज को काउंट करेगा, यहाँ पे लोटस को काउंट करेगा और यहाँ पे लिली को काउंट करेगा। तो दूसरा सेट बन गया ए और बी। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि दोनों सेट इक्वल है, बट आपने इस बड़ी फैमिली से निकाल के इस छोटी फैमिली को तैयार किया, आपने इस बड़ी फैमिली से निकाल करके इस छोटी फैमिली को तैयार किया, तो आप लिखेंगे कि यहां पे जो नई फैमिली बनी है बी, बी क्या हुआ, इसका बच्चा हुआ ना, इसी से बना ना, सो यू कैन से बी इज द सबसेट ऑफ ए, और सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, देख लो ये सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड बी इज इक्वल सबसेट ऑफ ए। सो ऐसा सबसेट जो कि सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा बराबर बराबर, दैट इज कॉल्ड इक्वल सबसेट। समझ में आ गया ना, तो ये क्या होगा, इक्वल सबसेट, नोट कर लो। तो यहां पे ये जो दो चीजें दिख रही हैं, दैट इज इक्वल सबसेट। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया, यस सर, तो दिस इज कॉल्ड इक्वल सबसेट, ओके। अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज पे जाइए, और 1.3 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1.3 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4, डज इट द वेदर इट इज सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, सिंबल लगाना है। सबसेट अगर है तो सिंबल आएगा ये वाला, और नॉट अ सबसेट मतलब सिंबल आएगा ये वाला। तो बताइए 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 का सबसेट है कि नहीं है, है, बिकॉज 2, 3, 4 एक छोटी फैमिली है और 1, 2, 3, 4, 5 एक बड़ी फैमिली है, सो ये सबसेट है। ए बी सी, बी सी डी का सबसेट है कि नहीं है, बोलो नहीं है, ए बी सी जो है बी सी डी का सबसेट नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बताइए, सबसेट है कि नहीं है, है सर, है, ठीक है ना, तुम यस बोलोगे, ये बोलो यस, हाँ है, अब ऐसे सिर नहीं हिलाना है, हाँ। फोर्थ क्वेश्चन बोलो, सबसेट है कि नहीं है, यस या नो, नहीं है सर, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सबसेट है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैगा, अच्छा
क्वेश्चन नंबर सिक्स का कहना है नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्यों नहीं होगा यार? है सर, है ना? क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा ऐश्वर्य? हाँ है, सबसेट की नहीं है? है सबसेट है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे। भूमि क्लियर? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, बताइए सबसेट है कि नहीं है, क्या आएगा निशान? X such that X is an even natural number and X such that X is an integer. Integer के अंदर natural number होगा कि natural number के अंदर integer होगा? बोलो ऐश्वर्य। Integer के अंदर natural number। Integer के अंदर? हाँ सही है, even natural number। तो correct answer subset है कि नहीं है बताओ? है। चलो question number two करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। एक बार मैं सुनूंगा ट्रू एंड फॉल्स। लगा लिया तुमने? पूरे हो गए? अच्छा पढ़ लिया था तो लगा लो आंसर ट्रू फॉल्स। रेडी पूछूं? चलो ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर वन बोलो, ट्रू फॉल्स? ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कॉमा ए, फॉल्स। सबसेट है इसने, नॉट अ सबसेट। क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड का टू, ट्रू फॉल्स? ट्रू। ट्रू। थर्ड फॉल्स। फोर्थ, फोर्थ देखिए सेट ए, सेट ए बी सी की फैमिली से बनने वाली एक छोटी सी फैमिली है। आपके पास दिया गया है एबीसी, तो एबीसी के कितने सबसेट बनेंगे टोटल? चलिए बनाते हैं एबीसी के सबसेट। ये आपके पास में है ए इक्वल्स टू फैमिली ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसके सबसेट बनाओ। सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी एंड ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हैं इसके सारे सबसेट्स, और साथ ही साथ एक और फाइव। सो हाउ मेनी टोटल सबसेट्स आर देयर? एट। सो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका, फॉर्मूला लिखिए नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 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 दी पावर एन, तो यहां पे कितना है टू टू दी पावर थ्री इक्वल्स टू एट। नोट इट डाउन। तो टोटल एट सबसेट हैं। तो अभी आपसे यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए क्या इस फैमिली का सबसेट है कि नहीं है? है तो ट्रू। तो भूमि बताओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, सॉरी फॉल्स, फॉल्स। सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछ रहा था, फोर्थ में ट्रू आएगा? ट्रू आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताइए ट्रू और फॉल्स ऐश्वर्य? हाँ फॉल्स, क्योंकि जो सेट ऑफ ए है वो सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट में आता है बिलोंग्स टू, है ना? हाँ तो जो सेट ऑफ ए है वो एलिमेंट नहीं है। हाँ अगर ये कहता कि ओनली सिंगल स्मॉल ए बिलोंग्स टू एबीसी तो वो सही बात होती, अगर सिंगल एलिमेंट ए की बात होती तो वो सही बात होती, बट सेट ऑफ ए बोल रहा है तो भाई सेट ऑफ ए ये तो सेट है ना, और सेट के साथ क्या आता है, सेट किसी का सबसेट होगा, सेट किसी का, ये सेट जो है वो ए बी सी का सबसेट है, एलिमेंट थोड़ा ना है। और इन लोगों ने क्या दे रखा है कि सेट ए जो है वो एलिमेंट है, नो सेट ए एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स बताइए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36।
इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स इज द सबसेट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मतलब बोलो अक्षर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. बिल्कुल सही, यहां पे ट्रू है. बिकॉज देखो, छह से छोटा इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2.4, 2 and 4, तो दैट विल बी सेट ऑफ 2.4. एंड कह रहा है साथ में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36. तो 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा नेचुरल नंबर में? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, है ना, 7 नहीं करेगा, 8 करेगा क्या? नहीं करेगा. फिर 9, 12 करेगा, फिर 18 करेगा, और फिर कौन करेगा? 36. तो देखो 2 और 4 इसमें, और 9 भी आएगा, 9 भी आएगा, है ना, और 2 और 6 इसमें आ रहा है. मतलब 2 और 6 की फैमिली का छोटा सा फैमिली क्या बन गया? 2, 4. यस, इट इज सबसेट, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, ओनली इट इज प्रॉपर सबसेट. तो दो तरीके के सबसेट होते हैं, एक होता है इक्वल सबसेट. इक्वल सबसेट में कौन सा साइन आएगा? ये वाला, इक्वल वाला. और दूसरा प्रॉपर, प्रॉपर में ये वाला साइन आएगा. तो दो तरीके के सबसेट होते हैं, एक होता है इक्वल सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट. नोट कर लो. चलो क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर. तुम कहां भाग गए थे बेटा? तुम बहुत भाग रहे हो. हाँ मैं तो सर जब से ही बैठा हूँ. हाँ, तुम्हारे दो बार नाम पुकार लिया मैंने अभी बीच में, तुम जवाब नहीं दिया. मुझे लगता है वो ऑफलाइन वाले अक्षत को बुला रहे हैं. मैं तो सर जब से बैठा हूँ, एक ही क्वेश्चन पे बैठा हूँ. वो बायो में है बेटा, मैथ्स में नहीं है. अभी अभी तुमको जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखो ए दिया है 1, 2, 3, 4, 5 सेट. अच्छे से लिख लो क्वेश्चन नंबर 3. चलो कर लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3, फिर देखते हैं. एनसीईआरटी 1.2 चल रही है, सभी बच्चे ध्यान दें. और क्वेश्चन नंबर 3, ए क्या दे रखा है? 1, 2, देन सेट ऑफ 3.4 और ये 5 है, ये ए दे रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? तो आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सर 1.2 पहला ऐसे कर रहे हैं ना? हाँ 1.2 चल रही ना, ये तो 1.3, सॉरी 1.3, 1.2 बोल गया, 1.3 है. यस सर, यस सर. 1.2 हो चुकी ना? हाँ सर. 1.2 में इक्वल सेट से हो चुके. 1.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए सेट दिया है 1, 2 सेट ऑफ 3, 4. अब पहला दिया रखा है कि सेट ऑफ 3.4 जो है दैट इज द सबसेट ऑफ ए. बोलो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स क्यों है? फॉल्स बताओ सर. क्योंकि ये जो है ये एलिमेंट है, इसका सेट ऑफ 3.4 विल बी अ सबसेट ऑफ ए. यहाँ पे ये जो है ये एलिमेंट है, इसका एलिमेंट ही बैठा हुआ है ना. तो अगर देखा जाए तो सेट ऑफ 3.4 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है पूरा का पूरा, है ना. ये इसका सबसेट नहीं है, सो इट इज नॉट अ सबसेट. हाँ अगर आप ये कर दोगे कि सेट ऑफ 3.4 का भी सेट, तो भैया ये इसका सबसेट हो जाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 इसका बोलो. ट्रू फॉल्स? ट्रू. ट्रू. बिल्कुल सही, क्योंकि एलिमेंट 3.4 है. चलिए नेक्स्ट बताइए, सेट ऑफ ट्रू, सेट ऑफ 3.4 इज सबसेट ऑफ ए. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. Yes, true sir. Or false? True. 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 Correct. Fifth statement. One is the subset of A. False. 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 1, 2, 5 is the subset of A. True. 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 Sixth question. Seventh question. 1, 2, 5 set belongs to A. False. False. Seventh statement. Statement to set 1, 2, 5. 1, 2, 3.
इज द सबसेट ऑफ ए. फॉल्स. फॉल्स क्यों सर? क्योंकि 3, 4 खुद में जो उसका जो सेट है वो खुद में पूरा एक एलिमेंट. वेरी गुड. 3 इंडिविजुअल नहीं है. 3 जो है इंडिविजुअल नहीं है. अगर 3 आएगा तो 4 के साथ ही आएगा. यस सर. अकेला नहीं आ सकता है वो. 3, 4 जॉइंट है एकदम. ठीक है. यस सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए. क्वेश्चन नंबर 9th बताओ. क्वेश्चन नंबर 9th, 5 बिलोंग्स टू ए. ट्रू भाई. 5 जो होता है एम्प्टी सेट होता है. 5 जो होता है एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होगा. तो ये भी होगा क्या? फॉल्स. क्या होगा ये? फॉल्स. 5 कभी किसी का एलिमेंट नहीं होता बेटा. 5 जो होता है वो सबसेट होता है. स्टेटमेंट नंबर 10 ट्रू. ट्रू. स्टेटमेंट नंबर 11 सबसेट ऑफ 5. ए सबसेट ऑफ 5. ये सर फॉल्स होगा. फॉल्स है. बिल्कुल सही. सबसेट ऑफ 5. सेट ऑफ 5 भाई. तो सेट ऑफ 5 उसका एलिमेंट तो है नहीं. 5 उसका एलिमेंट तो है नहीं. अगर 5 खुद में एलिमेंट होता उस सेट का तो 5 का सबसेट क्या बनता? उसका सबसेट बनता. 5 का सेट सबसेट बनता. बट 5 खुद में उसका एलिमेंट नहीं है तो नहीं बनेगा. भूमि समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए सभी लोग अपने से. क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए कितने एलिमेंट होंगे. फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं पावर सेट. क्वेश्चन नंबर 4. सर डन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. फर्स्ट है सेट ऑफ ए. ओके इसी का सबसेट लिखना है. 5, a मतलब 5, सेट ऑफ ए. हाँ तो इसके जो सबसेट बनेंगे देखिए केवल एक ही एलिमेंट है. एक ही एलिमेंट है इसके अंदर सेट ऑफ एलिमेंट ए. तो केवल 2 सबसेट बनेंगे. एक तो सबके लिए क्या होता है 5 और दूसरा खुद बन जाएगा ए. 5, सेट ऑफ ए. दूसरा बोलो ए बी. टोटल 4 सबसेट बनेंगे. कौन कौन से? सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ ए कॉमा बी और 5. ठीक है. थर्ड सेट 1, 2, 3 के एलिमेंट बोलो. सेट 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 1, 2, सेट ऑफ 2, 3, सेट ऑफ 1, 3, सेट ऑफ 1, 2, 3 और 5. हाँ अभी अभी लिखा था ना मैंने इसके सारे एलिमेंट. टोटल 8 बने थे ना. यस वही है. हाँ चलो लास्ट है 5 के सबसेट बताओ. 5 का एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट है कुछ भी नहीं मतलब एक ही होगा इसका सबसेट. यस सर. ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ये. यस है ना. तो इसका सबसेट केवल क्या बनेगा? 5. ठीक है ना. इसमें कोई एलिमेंट नहीं तो इसका सबसेट केवल 5 बनेगा. ठीक है ना. सो लास्ट वाले में लिख लो द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5. लिख लो बेटा द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5. द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5. 5 मतलब नो एलिमेंट. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ. अच्छा उसके पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा पावर सेट. हेडिंग डालो पावर सेट. पावर सेट. पावर सेट. अब पहले समझो कि पावर सेट के लिए पहले मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जल्दी आपको समझ में आ जाए. एक सेट आपने ले लिया मान लो 1, 2. पहले 1, 2 के सबसेट्स बना लो. ये एक सेट है आपके पास ए इक्वल्स टू 1, 2. अब a इक्वल्स टू ये ले लो सेट ऑफ 1. सबसेट बनाओ उसके. देखो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या होंगे? देखो एक तो बनेगा सेट ऑफ 1, एक बनेगा सेट ऑफ 2, एक बनेगा सेट ऑफ 1, 2 और एक बनेगा ओनली 5 खाली एम्प्टी सेट. टोटल 4 सबसेट बनेंगे. बनेंगे ना 4 सबसेट. इन चारों को एलिमेंट मानते हुए एक सेट बनाओ. दैट इज कॉल्ड पावर सेट. सो व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज कॉल्ड द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट. लिखो अब डेफिनेशन लिख लो पावर सेट की. व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज सेट ऑफ सबसेट्स. सेट ऑफ सबसेट्स. सारे सबसेट का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट. सो ये आपके पास है सेट 1, 2, 1, 2 और 5. नोट करिए
तो भैया ये जो बन गया सारे सबसेट का सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव बताओ ऐश्वर्य, आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू फाइव, ए सेट है फाइव, तो बताओ इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। वन केवल एक ही सबसेट बनेगा भाई, ए इज इक्वल टू क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। तो कुछ नहीं है मतलब हाउ मेनी एलिमेंट, जीरो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या पढ़ा है आपको, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 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 दी पावर एन, मतलब टू की पावर जीरो, आंसर कितना आ गया वन। तो टोटल इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, केवल एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज सेट ऑफ फाइव। नोट कर लूं, सो इसके पावर सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज सेट ऑफ फाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। भूमि तुमको इंटरवल नहीं पढ़ा है क्योंकि तुम परसों की क्लास में नहीं आई थी। यस तो तुमको इंटरवल बता देते हैं, देखो। चलो बेटा तुम लिखो इंटरवल, बनते हैं सारे। चलिए इंटरवल देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहला इंटरवल दिया गया है x की वैल्यू माइनस फोर से लेके सिक्स, x की वैल्यू माइनस फोर से लेके सिक्स, तो माइनस फोर जो है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है और सिक्स इंक्लूडेड है। माइनस फोर एक्सक्लूडेड है, सिक्स इंक्लूडेड है, तो जो एक्सक्लूडेड होता है उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं और जो इंक्लूडेड होता है उसमें क्लोज इंटरवल आता है। तो बेटा एक्स बिलोंग्स टू कितना आएगा, माइनस फोर है ओपन और सिक्स है क्लोज, तो ऐसा लिखो माइनस फोर कॉमा सिक्स। चलो अब अगले करो भूमि बताओ। अच्छा इसको साथ ही साथ रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, रियल लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये देखो आपने रियल लाइन बनाई, ये बनाया माइनस फोर और ये बनाया सिक्स, ध्यान से देखना अच्छी चीज है ये माइनस फोर बनाया, ये सिक्स बनाया, ध्यान से देखो माइनस फोर पे इक्वालिटी नहीं लगी है, मतलब एक्सक्लूडेड है। तो जो एक्सक्लूडेड होता है बच्चों उस पर अपन लगाते हैं बबल, और जो इंक्लूडेड होता है उस पर लगाते हैं अपन डॉट। तो माइनस फोर एक्सक्लूडेड, सिक्स इंक्लूडेड और उसके बीच का पूरा इंक्लूडेड है, तो थोड़ा सा उसमें पेन चला दो, शेड कर दो। तो ये पेन चला करके शेड कर दो भैया, ये बन गया आपका पूरा माइनस फोर टू सिक्स। नोट करो सर, डन। सेकंड बन गया, यस सर। सेकंड थर्ड फोर्थ कर लो जल्दी से, फिर पूछता हूं मैं। सेकंड थर्ड फोर्थ कर लो, डन बोल देना, हो जाए तो। चलो ऐश्वर्य बताओ, सेकंड बोलो, आंसर बोलो सेकंड का। ओपन माइनस ट्वेल्व, ओपन माइनस ट्वेल्व एंड ओपन माइनस टेन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट थर्ड का आंसर बोलो, हाँ क्लोज जीरो ओपन सेवन, बिल्कुल सही, वेरी गुड। लास्ट बोलो थर्ड, लास्ट पे लेकर फोर्थ का, क्लोज थ्री एंड क्लोज फोर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन को इक्वालिटी में लिख करके बताओ, इक्वालिटी में। तो मैं एक बता देता हूं, देखो माइनस थ्री टू जीरो है, तो कैसे लिखेंगे, देखो माइनस थ्री भी इंक्लूड नहीं है, जीरो भी इंक्लूड नहीं है, तो मैं लिखूंगा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड इट इज लेसर देन जीरो। नोट करो, इट इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड इट इज लेसर देन जीरो। हाँ सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब लास्ट में तो यही आएगा, और इसको पूरा अगर परफॉर्म करना है तो कैसे लिखोगे, x such that x belongs to R where x is between minus 3 to 0, हाँ ऐसे होगा, है ना, ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सो दिस इज सेट बिल्डर, तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। मैं पूछूंगा जैसे पहला वाला एग्जांपल, तो आपने मैंने क्या बताया आपको, इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x such that x is belongs to real number and x is between minus 3 to 10, less than greater than minus 3 and less than 10. Certain. चलो चलो बोलो अक्षत, सेकंड वाला बोलो।
एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स वेयर, रेशनल नहीं है बेटा, वो रियल नंबर है, रेशनल नंबर बोल रहे हो। रियल रियल नंबर्स वेयर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू, और कहाँ है माइनस सिक्स है बेटा, प्लस सिक्स है ना, सिक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। नहीं गलत गलत गलत, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं मगर अच्छे से बोलो, वेयर एक्स इज ग्रेट, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स एंड लेसर देन और इक्वल टू 12। यस सर। चलिए अगला वाला मैच करिए, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स, और पहले बेटा बिलोंग्स टू आर लिखो। यस पहले बिलोंग्स टू आर लिखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके, और सिक्स में ओपन लगा हुआ है तो एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स बट इट इज लेसर और इक्वल देन टू 12, लेस या इक्वल होगा 12 से, ठीक है? यस भूमि क्लियर? यस सर। हाँ लिख देंगे, फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, -23 to 5, एक्सिस देखो एक तरफ क्लोज है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ओपन है, तो इस तरफ क्या हो जाएगी, इक्वालिटी लग जाएगी, एक्स लेस देन और इक्वल टू, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5, डन बन जाएगा, लिख देता हूँ। यस सर। x greater than or equal to -23 and it is less than or equal to 5, less than 5 not equal to। चलिए next, अगला क्वेश्चन है what, अच्छा यूनिवर्सल सेट लिखो बच्चों, हेडिंग डालो यूनिवर्सल, लिखिए यूनिवर्सल सेट, what is यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन लिखिए, फॉर द गिवन सिचुएशन और गिवन कंटेक्स्ट, दी गई समस्या के संदर्भ में जैसी आपको प्रॉब्लम दी गई है, फॉर द गिवन सिचुएशन और गिवन कंटेक्स्ट, फॉर द गिवन सिचुएशन और गिवन कंटेक्स्ट, गिवन सिचुएशन और गिवन कंटेक्स्ट, अ सेट दैट कंटेन्स all the subsets, a set that contains all the subset, तो जैसे मान के चलो a set that contains all the subset, ये मान लो ये कोई स्कूल है, अभी इस स्कूल के अंदर क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास थ्री है, क्लास फोर है, क्लास फाइव है, अप टू क्लास टेन है, ट्वेल्व है, क्लास ट्वेल्व, तो अगर मैं कहूं कि इन सारी क्लासेस को समेट करके जो इनका सुपर सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो गिवन सिचुएशन के लिए सारे सेट को अपने अंदर रखे, ओके, सारे सेट का, सारी सिचुएशन, सारे सबसेट्स का सुपर सेट, एक होता है सबसेट और एक होता है सुपर सेट, तो ये छोटे वाले जो अंदर ही बच्चे हैं सारे सबसेट बन गए, और ये जो मेन सबके पापा बन गए क्या बन गया, सुपर सेट, ठीक है ना। सो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट फॉर अ गिवन सिचुएशन फॉर अ गिवन कंटेक्स्ट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट, जो सारे सबसेट को कंटेन करे, तो अगर मैं सारे क्लासेस को कंटेन करूंगा तो क्या बन जाएगा, स्कूल, तो स्कूल क्या है, यूनिवर्सल सेट है, स्कूल क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं, ऐसे हल्का चौड़ा सा यू, ठीक है ना, फ्लैट सा यू बनाएंगे, नोट कर लो, डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन लिख ली बच्चों, अक्षत लिख ली डेफिनेशन, असेट, हाँ, फॉर अ गिवन कंटेक्स्ट असेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, दी गई समस्या के आधार पर एक ऐसा सेट जो सारे सबसेट को कंटेन करे उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। चलो बताओ फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, यूनिवर्सल सेट बताइए इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स, बोलो बेटा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रायंगल की दुनिया के अंदर सारे तरीके के ट्रायंगल आते होंगे, तो सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स के लिए जो सुपर सेट बनेगा, जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो बन जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलस ट्रायंगल्स, set of all triangles, again set of all triangles, ठीक ना, सारे isosceles triangle के लिए universal set कौन होगा, set of all triangle, क्योंकि all triangle के अंदर क्या आ जाएंगे, isosceles आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, ये गिवन सेट है, गिवन सेट ए दिया है 1, 3, 5, बी दिया है 2, 4, 6, सी दिया है 0, 2, 4, 6, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, थर्ड वाला ऑफ ए बी सी। देखो भाई, इन चारों सेट को छोटे छोटे बच्चों को कंटेन करते हुए कोई है इनके फादर जो सबको कंटेन कर ले, थर्ड वाला जो सबके लिए हो, जो थर्ड, एग्जैक्टली, सो थर्ड वाला जो है वो यूनिवर्सल सेट है, बिकॉज ये सबको कंटेन कर रहा है, थर्ड वाला जो है वो यूनिवर्सल सेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? ओके, सेकंड क्वेश्चन ए बी सी डी, ए बी सी, हाँ तो थर्ड ही आंसर है, यस। चलिए, लॉजिक आगे दी गई है, अब आगे बच्चों अगला हेडिंग डालिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, अगली हेडिंग डालो ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पर ऑपरेशन। अब सेट्स पर ऑपरेशन पढ़ेंगे कि सेट को कैसे ऑपरेट करेंगे, दो सेट्स हैं उनपे क्या क्या ऑपरेशन लगेंगे ये देखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे आपके पास एक सेट है ए और एक है सेट बी, तो पहला ऑपरेशन मैं पढ़ा रहा हूं यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, यूनियन का मतलब होता है ऑल पॉसिबिलिटी, यूनियन का मतलब होता है ऑल पॉसिबिलिटी, चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो, सभी को लेना है। सो व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, लिखिए ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट x belongs to A, और बीच में और लगाना मत भूलना, या तो वो A में हो या B में हो, और x belongs to B, either वो A में हो या B में हो। ओके, अगर A में हो या B में हो, अब इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वेन डायग्राम, तो सेट को पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने वाले डायग्राम को, जो सेट्स को पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं उन डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है ना। मैथमेटिशियन जॉन वेन के नाम के आधार पे उसको बोला गया वेन डायग्राम। देखो बच्चों क्या है, ये क्या है, सारी सिचुएशन को कंटेन करता हुआ एक सेट है, ये है यू, यूनिवर्सल सेट। अब एक सेट है ए और एक सेट है बी, अभी दोनों ज्वाइंट नहीं है, दोनों ए और बी अलग अलग है। मान लीजिए ये हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे को शो करो हिंदी यूनियन इंग्लिश, मेरे को शो करो कि हिंदी यूनियन इंग्लिश कहाँ है। तो ये देखिए, ये हिंदी पढ़ने वाले हैं और ये इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इनमें दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब हिंदी वाले हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं पढ़ रहा है और हिंदी वाला इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, दोनों अलग थलग हैं। आ रहा समझ में भूमि? तो अगर मैं कहूं हिंदी यूनियन इंग्लिश में बनाऊं अगर इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो देखो मैं शेडिंग कर रहा हूं, ये है हिंदी और ये है इंग्लिश, अभी दोनों सेट यहां पे अलग थलग हैं, ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस ज्वाइंट सेट, ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, डिसज्वाइंट के केस में ए और बी के ऑल पॉसिबल एलिमेंट कितने होंगे जब दोनों डिसज्वाइंट है, तो आंसर लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नोट करिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यस कि नो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। ओके बेटा रमैया, क्लास क्यों नहीं आ रही हो तुम? सर इधर बारिश हो रही थी। अच्छा, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ए प्लस बी हो गया।
अभी ये कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है। अब ये हो गया पहला एप्लीकेशन इसका, है ना। तो ये हो गया यूनियन ऑपरेशन। अब दूसरा ऑपरेशन लिखो बच्चों, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अगला लिखो इंटरसेक्शन, अगला लिखे इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन देखो क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉसिबिलिटी लिखना, कि जो कॉमन है। कैसे कॉमन आएंगे पहले देखो इसको। अगर मैं कहूं आपसे ए इंटरसेक्शन बी, सिंबल याद रखो उल्टा यू। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स ए के अंदर है, एंड एंड मतलब मैं भी और तुम भी। कंपल्सन आ गया यहां पे, यहां पे क्या थी चॉइस थी, और यहां पे कंपल्सन है। यहां पे चॉइस थी कि या तो इसमें या तो इसमें, दोनों के कोई भी ले सकते थे। अब एंड जैसे दाल चावल, अगर लिखा दाल और चावल, ओ आर इंग्लिश वाला और चावल, तो कितने केसेस बनेंगे देखो। राइस और दाल, सुनिए कितने केसेस बनेंगे। अकेला राइस भी चलेगा, अकेली दाल भी चलेगी, समझ गए ना, और बीच में दोनों भी चलेंगे। अब राइस एंड दाल लिखा है, मतलब अगर राइस होगा तो दाल भी होगी, और दाल होगा तो राइस भी होगी, दोनों चलेंगे। मतलब दोनों साथ साथ वाले सेट, वही पॉसिबिलिटी जो ए में भी होगी और बी में भी होगी। अभी अच्छे से समझ में आएगा। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कैसा देखो जी। अभी मैं बोल दूं आपके पास ये दो सेट हैं, ए यूनिवर्सल हो गया, ये ए है और ये बी है। ऐश्वर्य बोल बेटा ए इंटरसेक्शन बी कितना है यहां पे, क्या ए और बी कुछ कॉमन दे रहे हैं? नहीं है, मतलब ए और बी साथ साथ नहीं है। आंसर फाइव। और मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइव, और फाइव के एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। यस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। अब दूसरा लिखो, ये ए है, ये देखो शेडिंग हो गई बी। हाँ, अब ये शेड हो गए। अब इंटरसेक्शन एरिया के एलिमेंट कौन से होंगे, केवल ये वाले। देखो यहां ए और बी साथ साथ चल रहे हैं, ये इंटरसेक्शन एरिया। यहां पे मतलब ए और बी दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो ये डेफिनेशन इसमें सूट कर गई। ठीक है, तो x such that x belongs to a, वे मेंबर जो a के भी हैं और b के भी हैं। जैसे मैंने कहा हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो मुझे केवल वो एलिमेंट बताइए आप जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं और जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया? यस। चलिए अब इसमें एक थ्योरम बनती है, तो लिख लो बेटे पहले तो इंटरसेक्शन नोट कर लो, फिर इसके बाद लास्ट एक फॉर्मूला कंक्लूड करेंगे उस फॉर्मूले को कर करके। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसी से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े बच्चों। ऑनलाइन आर्मी जल्दी से बोलो बच्चों, लिख लिया यहां तक, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अभी ये देखा, ये क्या सेट था, पहले वाला था डिसजॉइंट, और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बच्चों, जॉइंट सेट। ये लिख लो जॉइंट सेट, ये है जॉइंट सेट। अब मैं देखिए यहां पे एक सेट है, दो यूनिवर्सल ये बैठा हुआ है बाहर। यूनिवर्सल मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में पूरी बात हो रही होगी। ये सेट ए और ये सेट बी, ए बी। मैंने क्या बताया, मैंने कहा मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट बताओ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ऑल पॉसिबिलिटी, जो ए में है, जो बी में है, और जो ए और बी दोनों में है, समझ गए ना। जैसे आपने कहा किसी मेहमान नवाजी में गए आप, उन्होंने पूछा भाई साहब क्या चलेगा, आपने कहा जो ले आओ चलेगा। कहते हैं ना जो ले आइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अकेले दाल ले आई तो चल गया, चावल ले आया अकेला तो चल गया, दोनों मिक्स करके लाए तो चल गया, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है अरे जो मन आपका। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए तो एन ए अकेला, देखो ये अकेला ए है, ये भी चलेगा, अकेला बी ये भी चलेगा, और ये वाला रीजन भी चलेगा।
अब बट टेक्निकली इस रीजन को लिखना है आपको, इन सारे एलिमेंट को लिखना है, तो तरीका देखिए, पहले पूरा ए लिख दो, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए, प्लस ये लिख दो पूरा का पूरा, तो ये लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट बी। अब ऐसा करते समय एक दुर्घटना हुई है, ध्यान दिया हो आपने, ये जो बीच वाला रीजन है ये आपने दो बार मर्ज कर दिया है, जब ए में मर्ज किया था तो भी आया था और जब बी में मर्ज किया था तो भी आया था, मगर ईमानदारी से वो कितने बार आना चाहिए, एक बार, तो हमें उसको एक बार यहां से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो आपका क्वेश्चन आएगा स्कूल में 100% इसी फॉर्मूले से आएगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले से आएगा 100%, ठीक है, क्योंकि स्कूल लेवल के ऑब्जेक्टिव बहुत इजी बनेंगे, बहुत इजी एकदम एनसीईआरटी लेवल के बनने को, तो वैसे बहुत हाई बनेंगे, मतलब बाहर के ऑब्जेक्टिव जेई मेंस वगैरह के, मगर स्कूल लेवल के बच्चों बहुत इजी बनेंगे, तो इस ऐसे छोटे छोटे साढ़े साढ़े फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कह देगा कि अगर ए और बी डिसजॉइंट है, पहले ही बोल दिया कि ए और बी डिसजॉइंट है, तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, तो हटा देना इसको, क्योंकि डिसजॉइंट मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी तो एन ए प्लस एन बी आएगा। चलिए तो ठीक है, क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं जी सर, ठीक है, और करके लाइए अगली एक्सरसाइज, जो है अगली एक्सरसाइज जो भी है इसको कर लेना भाई, 1.3 कंप्लीट, 1.3 तक, 1.4 तक तो हो गई है, 1.4 कर लीजिएगा अच्छे से, 1.3 तक तो करवा दी ना मैंने, 1.3 करवा दी, 1.4 कर लेना, यस सर, चलो ठीक है।